जय श्री कृष्णा। देवों में सबसे सुंदरतम देव श्री कृष्ण के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के 24 अनजाने तथ्य। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केस श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वो लौकिक दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल दो अस्त्र थे और वो थे पाशुपतास्त्र, जो शिवजी, कृष्णजी और अर्जुन के पास थे, और प्रसवापास्त्र, जो शिवजी और वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारीसा व सौतेली माँ रोहिणी नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकान्नसा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास व्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक और बाहुक था। उनके अश्वों के नाम थे सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसीलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे, और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के समान परंतु उससे कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। एक
महाभारत, 2 जरासंध और काल यवन के विरुद्ध और 3 नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूड़ और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असम में वाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की या करवाई, द्वारका और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ। भगवान श्री कृष्ण ने कलारी पट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और सदैव रहेगी। जय श्री कृष्णा।